हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 1357 का संबंध इस प्रकार से 64 लिखा है, तो उसी प्रकार से देखिए जैसे हम लोगों का 135 और 79 का संबंध यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न यदि कहा जा रहा है दोस्तों, कैलेंडर का सवाल दिया गया है, यदि हम लोगों का 15 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि संगीत का संबंध यहाँ पर लिखा है गायक, तो उसी प्रकार से चित्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, एनालॉजी यानी सदृशता से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही दोस्तों एग्जाम इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 552 है, जिसे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, या वीडियो सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UPPS, MTR, CHSL, CPO, SSC, GDCIS, UKPSC, DSSV, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, ISRO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, NTPC, रेलवे, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, संगीत का संबंध यहाँ पर लिखा है गायक, तो उसी प्रकार से चित्र का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का, यानी संगीत जो है एक प्रकार से गायक दिया, यानी संगीत का जो निर्माण होता है दोस्तों गायक करता है, तो उसी प्रकार से चित्र का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो चित्रकार करता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी गायक का लिखा है संगीत, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग गायक यानी क्या करता है दोस्तों, संगीत को गाता है, उसी प्रकार से चित्र को कौन बनाता है दोस्तों, चित्रकार बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेंगे यानी रोक लेंगे, और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 0, उसके बाद लिखा है 35, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 0, फिर हम लोगों के सामने 79 कोमा, उसके बाद लिखा है 063। देखिए आजकल पॉइंट वाला किस किस तरीके के सवाल आए हैं, 0 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 77, इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1 पॉइंट, क्या लिखा है दोस्तों, 05 दिया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो देखिए कितना जुड़ा है, तो 35 अगर यहाँ पर देंगे, 5 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या क्या, इधर लॉजिक समझ में आ गया कि प्लस देखे 0 पॉइंट क्या कर दिया दोस्तों, 1 4 जोड़ दिया, तो 5 4 9 3 1 4 बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस अगर 0.14 कर देंगे तो क्या हो पा रहा है क्या, तो 9 4 13 3 हासिल रहा है, 1 4 1 5 1 6 बिल्कुल हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों तो इस पर क्या कर देंगे, 0.14 कर देंगे, तो जैसे ही 0.14 करेंगे तो 4 3 7 6 1 7 बिल्कुल हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगह पर आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, 0 पॉइंट क्या करेंगे, 1 4 कर देंगे, और उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए आप सीरीज को क्या कर देंगे, 0 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों, 1 4 कर देंगे, तो बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 0.14 जैसे ही करेंगे तो 7 4 ही देखिए 11 करी 1 हासिल रहा है, 1 7 1 8 1 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 पॉइंट हम लोगों का 9 1 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, पॉइंट वाला आए या किसी भी तरीके की श्रृंखला वाले सवाल आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस सीरीज को देखना है कि किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारा स्टैंड नहीं कर पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा दोस्तों इस प्रकार से इसका संबंध दिया गया, तो यहाँ पर अगले वाले संबंध के लिए क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर जाएगा। पहले तो यही समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसने इसको कैसे लिखा। इधर जैसे 1 3 उसके बाद यहाँ पर है 5 7 और आगे क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 64 लिखा है और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है। उसके बाद उसने लिखा है 13, उसके बाद लिखा है 5 7, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 9 और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। इधर यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इधर इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। इधर लॉजिक को यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा उसने क्या क्या। देखिए यहाँ पर 1 अप्लस क्या कर दिया दोस्तों 3 अप्लस क्या कर दिया हम लोगों के सामने 5 अप्लस क्या कर दिया दोस्तों 7 कर दिया और इसको जोड़ लीजिए और यहाँ पर कितना आ जा रहा है दोस्तों इधर 7 5 12 और 3 15 116 आ गया और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों अंकों की संख्या यानी अंक यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों अंकों यहाँ पर लिख देते हैं अंकों की संख्या। इस जगह पर क्या कर सकते हैं दोस्तों अंकों की संख्या। तो टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 16 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अंक कितना इसमें देखिए 4 अंक है ना 1 3 5 7 तो इस प्रकार से क्या कर दिया दोस्तों अंकों की संख्या। तो टोटल अंक उसमें 4 था तो 4 से गुना कर दे। इसी तरीके से सर इसको कर देते हैं यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और अप्लस क्या हो जाएगा 5 अप्लस क्या हो जाएगा 7 अप्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो ठीक है यहाँ तक कर दिए और इसको जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है तो इधर 5 3 8 7 15 9 24 1 25 तो यहाँ पर हो गया 25 और गुना का गुना क्या करेंगे दोस्तों अंकों की संख्या। इस जगह पर लिख देते हैं अंकों की संख्या। रिसेंटली पूछा गया था देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हो पाया हम क्या करेंगे तो अंकों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 25 अगुना उसमें कितना अंक है देखिए 1 2 3 4 5 तो अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 से गुना कर देंगे। जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 5 क्या हो जाएगा 125 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो शेष अन्य से भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों 1 अलग है। इनमें से कौन सा 1 अलग है यही बात आपको बताना है। इनमें से कोई आकृति क्या है दोस्तों 1 अलग है। ये देखिए बता देते हैं अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो इसमें अगर इस आकृति में देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 4 हम लोगों के सामने क्या है वर्ग है और उसी प्रकार देखा जाए तो 3 और 2 5 यानी कि 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोला हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं 5 क्या हो जाएगा दोस्तों गोला हो जाएगा। तो ठीक है इस प्रकार से कर देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हम लोगों का गोला है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 4 क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिए 4 वर्ग है। उसी प्रकार से 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोला हो जाएगा। तो ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इस फिगर की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 4 क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों गोला हो जाएगा। तो ठीक है सर ये बात तो हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए ऑप्शन नंबर ए में तो ए में देखा जाए तो हम लोगों के सामने 4 तो वर्ग है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 4 वर्ग तो है इसमें तो कोई बात नहीं है 4 वर्ग है। यहाँ पर देखा जाए यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ग हम लोगों का है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों 4 गोला है। इसमें भी देखा जाए तो 4 क्या आ जा रहा है दोस्तों गोला आ जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 वर्ग और 4 गोला देखिए ना दोनों बराबर आ जा रहा है लेकिन सभी में क्या है दोस्तों यानी 4 वर्ग 5 गोला 4 वर्ग 5 गोला 4 वर्ग 5 गोला। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि सी प्रतिशत डी का अर्थ लिखा है दोस्तों सी डी की क्या है माँ है फिर सी उसके बाद डॉलर का अर्थ लिखा है दोस्तों कि सी डी की क्या है पत्नी है। उसी प्रकार से सी एंड यानी और का अर्थ दिया लिखा है दोस्तों सी डी की दामाद है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सिंबल दिया गया इस प्रकार से यहाँ तक इसका अर्थ क्या हो जाएगा यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक में क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए
प्रतिशत का अर्थ देखा जाए तो उसने क्या लिखा है दोस्तों, सी जो है डी की क्या है मां, तो यहां पर वही हो जाएगा डब्ल्यू जो हो जाएगा इस प्रकार से कर लेते हैं, डब्ल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो एक्स की क्या हो जाएगा मां हो जाएगा, तो एक्स का क्या कर दीजिए दोस्तों मां कर दीजिए, यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस। आगे देखिए ये डॉलर का सिंबल क्या लिखा है यहाँ पर है, डॉलर का अर्थ लिखा है सी डी की पत्नी, यानी सी जो है वो डी की किधर से की लगा है, यही सबसे मेन जो है देखना है की किधर से लगा है, सी जो है डी की पत्नी है, तो उसी प्रकार से एक्स जो हो जाएगा दोस्तों वो वाई की क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा, यानी एक्स जो है ये वाई की क्या है दोस्तों पति पत्नी है, तो इस प्रकार से लगा देते हैं एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो ये पुरुष जेंडर हो गया यानी इसकी पत्नी हुआ, तो ये क्या होगा इससे शादी होगा। आगे देखिए हम लोगों के सामने लिखा है एंड का अर्थ क्या दिया है, तो यहाँ पर है एंड का अर्थ लिखा है सी डी का क्या है दोस्तों दामाद है, यानी सी जो है हम लोगों का अगर देखा जाए कि सी जो है डी का दामाद लिखा है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग सिंबल दिया है, लेकिन हम इस पर गौर करेंगे कि इसका मतलब एंड का अर्थ क्या लिखा है, कि एंड का अर्थ क्या लिखा है यानी वाई जेड, तो सी जो है वो डी का दामाद है, तो डी का दामाद उसी प्रकार से वाई जो हो जाएगा दोस्तों वो जेड का क्या हो जाएगा दामाद हो जाएगा, तो जेड का दामाद हो जाएगा यानी इसका ही क्या हो जाएगा दोस्तों दामाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ई दोनों भी क्या है दोस्तों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि डब्ल्यू और जेड, तो ये हो जाएगा पुरुष जेंडर। तो देखिए कह रहा है कि जेड डब्ल्यू का क्या है, तो जेड जो है डब्ल्यू का पति है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही, बस हवा नहीं ले है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिएगा, तो हर एक चैप्टर से आपको हर एक पार्ट में दोस्तों हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर दिया है, जाके चैनल पर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा, जेड डब्ल्यू का पति है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, घबराना नहीं है, डरना नहीं कि क्वेश्चन आसान आ रहे हैं हार्ड आ रहे हैं, तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को करते हुए चलना है। कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी उसी प्रकार से एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। अगर इस फिगर की बात किया जाए तो जैसे देखिए यहीं से पता चलेगा, खाली ई टू सिंबल को अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर इस प्रकार से किया है, तो हम लोगों का ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हम लोगों का किधर से हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इस प्रकार से होगा, तो बस इतने में आपका आंसर निकल जाता है कि ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, आप देखिए मिरर में जाकर अगर अभी दाया हाथ उठाएंगे तो आपको बाया हाथ दिखेगा, तो उसी प्रकार से जब इस फिगर को तीर वाला यानी एरो का निशान इधर से है तो मिरर में देखेंगे तो किधर से दिखेगा सर, इस प्रकार से दिखेगा, तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में, बाकी तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, देखते ही आंसर हो जाएगा, लेकिन किसी में क्या लगेगा तो कुछ समय लगेगा, तो ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न में आपको समय लगेगा, कुछ प्रश्न जल्दी सॉल्व होगा तो कुछ प्रश्न में समय लगेगा, तो वही तो समय का मेकअप करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन अलग टाइप का, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है इसका कोड इस प्रकार से कर देते हैं ना, एल उसके बाद लिखा है ई उसके बाद है दोस्तों टी उसके बाद एस इस और उसके बाद लिखा है डू उसके बाद लिखा आई उसके बाद लिखा है टी, तो इसका कोड इधर दिया गया है, यानी क्या लिखा है दोस्तों ये भी प्रश्न आप देखते ही कर लेते हैं, एन उसके बाद लिखा है क्यू और फिर लिखा है पी एल उसके बाद लिखा है दोस्तों एस और क्या है टी है, ठीक है। फिर इधर लिखा हम लोगों के सामने डू उसके बाद लिखा है वा योर उसके बाद लिखा है दोस्तों वर्क, तो यहाँ पर कर देते हैं वर्क, ठीक है। और इसका कोड उसने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर एस उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, तो एस टी उसके बाद एम आर उसके बाद लिखा है दोस्तों जे और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन लिखा है। तो देखिए डू का कोड आपसे पूछा गया, तो डू का कोड यानी आप क्या करेंगे, ई साइड में यहाँ पर डू मिल रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो एस और टी इसमें भी मिल रहा है, एस और टी इसमें मिल रहा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इधर कोई नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों का डू का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों एस टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, देखते ही आंसर हो जाएगा, बस लॉजिक को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है, इधर जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों किंगडम को यानी कि शब्द को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, तो चलिए करके दिखाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको नोट करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों
सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे के है, उसके बाद क्या कर दीजिए दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने एन, उसके बाद लिखा है जी डी ओ, और क्या लिखा हम लोगों के सामने एम। तो इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब अरेंज करना है, ए बी सी डी में करना है, क्या करना है दोस्तों, ए बी सी डी से स्टार्ट करके इस तरीके से करना है, यानी कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों का डी आएगा, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, क्योंकि ए तो है नहीं है ना, ए नहीं है, तो जो पहले आ रहा है डी, डी के बाद हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर जी हो जाएगा डी, उसके बाद जी, जी के बाद देखा जाए तो हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, ठीक है, डी जी आई, आई के बाद देखा जाए तो डी जी आई, आई के बाद यहाँ पर हो जाएगा के हो जाएगा, के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एम के बाद एन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। ई हुआ हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, देखिए ना अंग्रेजी ए बी सी डी स्टार्ट, तो दो जो लेटर पहले मिल रहा था उसको उस प्रकार से अरेंज कर दे, इन है कि यहाँ पर एकदम ए बी सी डी से रहेगा, वैसा नहीं, देखिए जैसे डी हो गया फिर जी हो गया आई, तो ई ए बी सी डी के क्रम में हम लोग क्या कर दिए, इसको व्यवस्थित कर दिए। अब वही कहा जा रहा है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहा है, तो देखिए कितना अक्षर अपरिवर्तित रहा, तो यहाँ पर देखा जाए कोई नहीं, सब क्या हो गया दोस्तों बदल गया, देखिए हम लोगों का कोई मिल रहा है क्या, कोई नहीं मिला, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई नहीं। यही आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब कह रहा है प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला का क्रम यानी ए से लेकर जेड तक में अरेंज कर देना, वही कह रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, तो कोई सा भी अक्षर यानी अपरिवर्तित नहीं हुआ, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोई नहीं, इस प्रश्न का आंसर क्या, ठीक है ना, के डी हो जा रहा, आई जे एन, कोई हम लोगों का मिला क्या, नहीं मिला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कैलेंडर का सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहा जा रहा है कि 15 जनवरी हम लोगों का 1996 को सोमवार है, तो कह रहा है 30 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये देखिए आप चुटकियों में इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखिए जैसे यहां पर दिया है दोस्तों हम लोगों का 15 जनवरी, तो यहां पर इस जगह पर लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 15 उसके बाद लिखा है जनवरी, तो 15 जनवरी 1900 क्या है दोस्तों 96 है, तो 1996 को उसने कौन सा दिन दिया है, सोमवार दिया है। तो यहां पर देखिए हमने इधर लिया, बस अटना यहां पर चालू नहीं हुआ, यही तो सबसे दिक्कत है, इसीलिए हम यहीं पर ले लेंगे, चलिए हटाइए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम लेंगे कुछ नहीं, 15 उसके बाद लिख देंगे दोस्तों जनवरी, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 जनवरी 1900 क्या लिखा है दोस्तों 96, तो 1996 को कौन सा दिन उसने लिखा है, सोमवार दिया है, तो ठीक है अच्छी बात है सोमवार दिया, खाली सोम लिखेंगे, वार यहाँ पर कुछ नहीं। उसके बाद अब आना क्या है, ये देखिए यहाँ पर बात को गौर कीजिएगा कि 96 से हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों 97 पे, अगर हम लोग 15 जनवरी यहाँ पर क्या आ जाए दोस्तों 15 जनवरी हम लोग 1997 पर आएंगे, तो हम लोगों का कितना दिन का वृद्धि होगा, तो देखिए लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दिन का, यहाँ पर लिख देते हैं कितने दिन का वृद्धि होगा 2 दिन का, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी क्या होता है दोस्तों 2 दिन, यानी कि फरवरी 1 दिन वृद्धि हो जाता, ऐसे तो आप जानते हैं कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन का वृद्धि होता है, जैसे अगर हम लोग 97 मान के चले कि 95 से 96 पर जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से यदि साधारण से हम लोगों का साधारण वर्ष में चलेंगे तो 1 दिन का वृद्धि होता है, लेकिन लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे तो यहाँ पर 2 दिन का वृद्धि होगा, क्यों, क्योंकि 1 दिन फरवरी का इंक्लूड हो जाएगा, एक तो ऐसे हम लोगों का डायरेक्ट, तो सोम के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल नहीं होके यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बुधवार हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों बुध आएगा, यही आपको समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा बुध होगा। याद रखना होगा कि अगर हम लोगों का लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो वहाँ पर 2 दिन का वृद्धि होगा, 96 से 97 पे जा रहे हैं 2 दिन का वृद्धि होगा, और ये भी देखना है कि उसमें लीप वर्ष इंक्लूड है कि नहीं होगा, तो जनवरी के बाद देखिए फरवरी आएगा तो वो वर्ष इसमें इंक्लूड है, अगर मान के चले मार्च से दिया हुआ रहता तो मार्च दिया रहता फिर 1 दिन का वृद्धि होता, चाहे लीप वर्ष रहे या कुछ रहे, लेकिन ये भी देखना है कि फरवरी वहाँ पर इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्हें कि डायरेक्ट वृद्धि कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने बेसिक तरीका से बिल्कुल समझा दिया कि सर 15 जनवरी तक तो आगे, तो अब जनवरी तक आगे, तो जनवरी में हम लोगों का बचा कितना दिन, ये देखिए
तो जनवरी के बाद हम लोगों का जनवरी में कितना दिन बच जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का आना है देखिए 30 मार्च में जाना है तो जनवरी में बच जाएगा यानी कि हम लोगों का 16 दिन बच जाएगा। उसके बाद फरवरी इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 दिन हो जाएगा। उसके बाद मार्च क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 14 करी 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए ना, इधर 8, 6, 14 करी 4 हासिल रहा, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 64 हो गया। तो 64 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 7 से भाग देंगे तो 7, 8 क्या हो जाएगा, 56। कहीं गलती तो नहीं हो रहा, जनवरी में हम लोगों का 16 दिन ठीक है, उसके बाद 30 मार्च में तो जाना है, ठीक तो है। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7, 8 अच्छा 7 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। तो एक दिन हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का जनवरी तक आ गए, जनवरी में बचा हम लोगों का 16 दिन। उसके बाद फरवरी, फरवरी का महीना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 28 और मार्च में 30, तो इधर लेंगे तो 8, 6, 14 करी 4 हासिल, अच्छा 3, 2, 5 और 1, 6 अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, देखिए जोड़ने में क्या हो रहा है, गलती हो रहा है कि 8, 6, 14 करी 4 हासिल रहा, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, इसीलिए गलती हो रहा था। अब क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, तो 7 से भाग देकर और शेष से मतलब है, तो देखिए यहाँ पर भाग दे देते हैं दोस्तों, कैसे कैसे करते जा रहे हैं, देखिए 7 से क्या करेंगे दोस्तों, 74 में आप भाग देंगे, इस जगह पर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं दोस्तों, 7 से आपको क्या करना है, 74 में भाग देना है, क्या बार में जाएगा, तो 7 धन क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। तो सीधा सा हम लोगों के सामने क्या बचेगा, शेष, शेष क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 बचेगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, 4 बचेगा। तो यही 4 दिन आप क्या करेंगे दोस्तों, बुधवार में जोड़ देंगे, यानी कि हम लोग आ जाएंगे मार्च में, जो आएंगे मार्च महीना में, तो 30 मार्च में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दिन जोड़ना होगा। तो बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग 15 जनवरी तक आ गए 1997 में, फरवरी के बाद ये क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि जनवरी ये हो गया, तो ये महीना जो हो गया हम लोगों के सामने फरवरी का, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये फरवरी हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च हो जाएगा, 30 मार्च देखिए। और ये तो हम लोगों का जनवरी, इसमें 16 दिन जनवरी में बच रहा था, ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो 30 मार्च में जैसे ही 4 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग का, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि कुछ प्रश्न में आपको समय लगेगा लेकिन कुछ में क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसका समय कहाँ पर मेकअप होगा, तो वहाँ पर जहाँ पर समय लग रहा है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि सर इसमें तो बड़ा समय लग गया तो उसमें नहीं लगा, तो उसमें नहीं लगा तो कुछ क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा आसान होगा, तो कुछ क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, हार्ड होगा। देखिए इसका संबंध यानी कि यहाँ पर जैसे ब्लेड को इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है जैसे सी, उसके बाद लिखा है उसने के, उसके बाद बी, उसके बाद सी एफ, इधर देखते ही कर देते हैं आंसर। उसके बाद इसको चेक कर भी नहीं करेंगे, ये वाला बीच वाला जो है ना आजकल खाली ऐसे ही लिखा जाता है, इसको क्या करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग क्यों चेक करें, तो क्यों, क्योंकि अब जिसका निकालना उसको निकाल देते हैं, उसको चेक करके क्या करना है, जैसे देखिए डी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आई, उसके बाद जी आई, उसके बाद टी ए, और क्या लिखा है दोस्तों एल लिखा है। ये देखिए सी से बी पे जाएंगे तो एक लेटर का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने वृद्धि किया है, फिर एक लेटर का कमी, एक लेटर का वृद्धि, एक लेटर का कमी, एक लेटर का वृद्धि, तो उसी प्रकार से इन सभी में करना है, एक लेटर का वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी, इस प्रकार से चलेगा। तो लॉजिक अगर समझेंगे तो देखते ही आंसर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं सर, -1 ई, अच्छा +1, हाँ यहाँ पर शुरू में क्या किया है +1, उसी प्रकार से इसमें क्या क्या है -1, यहाँ पर हो जाएगा +1, इसमें हो जाएगा -1, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +1, तो वही काम तो करना है, शुरू में सिर्फ किया है +1 और इसके बाद क्या क्या है -1, यहाँ पर हो जाएगा +1, इसमें क्या हो जाएगा -1, उसके बाद इसमें हो जाएगा हम लोगों के सामने +1, उसी प्रकार से इसमें करेंगे, इस जगह पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा -1 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। तो ठीक है हो गया, डी में एक लेटर जोड़ेंगे तो डी के बाद हो जाएगा ई, चलिए यहाँ पर हम लोगों के सामने आ गया, क्या आ जाएगा ई। आई में एक लेटर करेंगे तो एच हो जाएगा, जी में एक लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो इसमें भी एच हो जाएगा, आई में एक लेटर करेंगे तो फिर हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, देखिए तीन बार एच आ गया। उसी प्रकार से टी में एक करेंगे तो यू हो जाएगा, टी में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और ए में एक लेटर घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, और एल में एक लेटर जोड़ देंगे तो एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ तो बिल्कुल आ गया इस प्रश्न का आंसर, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ई ट्रिपल एच उसके बाद यू जेड एम क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस ये वाला आपको चेक करना क्योंकि आजकल इसी तरह का भी चार वाला भी आया, हमने एग्जाम में देखा चार वाला भी दे दिया है, तो फर्स्ट और लास्ट चेक कीजिए आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ब्लड रिलेशन का इस टाइप का अभी हमने हर एक सेट में देख रहे हैं, जो न्यू सेट में देख रहे हैं दोस्तों, एकदम इस टाइप से प्रैक्टिस रहे या प्रीवियस में हर एक में देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि गुना करते क्या लिखा है, तो गुना कहाँ पर है, इस जगह पर लिखा है कि ए गुना करते, ए जो है बी की पत्नी है, तो कर देते हैं टी जो हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लिख देते हैं टी जो है, इस जगह पर कर देते हैं, यहीं पर तो अट जाएगा, उधर जाने की आवश्यकता है, टी जो है Y की क्या है दोस्तों, पत्नी है, तो T जो है हम लोगों का Y की क्या, उसने कहा अच्छा अच्छा गुना कर ए बी क्या बहन है, तो यहाँ पर कैसे कर रहा है, यहाँ पर गुना कर लिखा है ए बी की बहन है, तो इसी प्रकार से T जो हो जाएगा Y की बहन, तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना और पुरुष जेंडर के लिए प्लस, इसकी क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया। आगे देखिए प्लस का अर्थ, यहाँ पर है प्लस, करें ए जो है वो बी का पिता, का किधर से लगा, इधर से बी का, यही मेन समझना है कि किधर से लगा, ए जो है बी का पिता, तो यहाँ भी देखिए प्लस का अर्थ जाएंगे तो वाई जो हो जाएगा ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। देखिए वाई जो हो जाएगा ई, ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो ई पुरुष जेंडर हो गया, तो इसके लिए प्लस। आगे देखिए भाग का अर्थ कहाँ है, तो यहाँ पर भाग मिला, इसका अर्थ ए जो है वो बी की, देखिए किधर से बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई जो हो जाएगा वो एस की पुत्री हो जाएगा, तो एस इस जगह पर लिख देते हैं, एस की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा, तो ये बात क्लियर हो गया, तो ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ में इस प्रकार से कर दीजिए, इस जगह पर इधर ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, तो यहाँ पर एरो का निशान इस प्रकार से किसी भी तरीके से कर देते हैं कि हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है। अब देखिए उसने क्या लिखा है, अब लिखा क्या है, आगे माइनस दिया, एक माइनस वाला छूटा था, तो यहाँ पर लेते हैं ए जो है वह बी की माँ है, ए जो है वो बी की, किधर से लगा है, बी की माँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एस जो हो जाएगा दोस्तों वो आर की माँ हो जाएगा, तो आर इस जगह पर एस जो है वो आर की माँ हो गया, तो सब चीज तो लिख दिए, बड़ा टिटिम्मा करने की आवश्यकता है, वहां पर कहा जा रहा है कि टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है वो आर का, तो पिता की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम आसान है, एकदम आसान, बस आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, बस यही यहाँ पर ई जो की दिया है ना, इसी से समझ में आता है, ए जो है बी की माँ है, फिर लिखा है ए बी की बहन है, तो इसी प्रकार से इसमें करना है, जैसे गुना कर लिखा है तो टी वाई की क्या है, ई वाई प्लस ई का क्या है, तो इस प्रकार से अर्थ करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर पिता की बहन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाले, चलिए कर देते हैं। सभी चट्टान क्या है दोस्तों, पर्वत है, यानी सभी चट्टान है, चलिए इस जगह पर उठा लेते हैं सभी हम लोगों का, सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, चट्टान है, तो ठीक है, यानी सभी चट्टान हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिख देते हैं पर्वत, यानी सभी चट्टान क्या हो गया दोस्तों, पर्वत हो गया। उसने फिर कहा कि कुछ कंकड़ पर्वत है और हम लोगों का सभी पत्थर क्या है दोस्तों, कंकड़ है, अच्छा अच्छा देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है, किस तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंकड़ जो है पर्वत है, फिर हम लोगों का यानी कि सभी कंकड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्थर हो जाएगा, अच्छा तो पहले इस प्रकार से कर लेते हैं, यानी कि सभी पत्थर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंकड़ हो जाएगा, तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी कि हम लोगों का पत्थर यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि इस जगह पर लेते हैं पत्थर, कह रहा है कि सभी पत्थर जो है कंकड़ है, यानी सभी पत्थर क्या हो जाएगा, और ये भी लिखा है कि कुछ कंकड़ पर्वत, अच्छा तो इसका वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जाएगा, ये देखिए हमने कर दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि सभी यहाँ पर देखिए करे कि कुछ कंकड़ पर्वत हो गया, तो कुछ कंकड़ और यहाँ पर, हाँ इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंकड़ हो जाएगा। देखिए किस किस तरीके से आजकल एकदम इस तरीके से घुमा रहा है ना, ताकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा, तो चलिए हो गया। अब लिखा है निष्कर्ष में, कहा जा रहा है कि कुछ चट्टान है हम लोगों का, यहाँ पर क्या है कि कुछ चट्टान है पत्थर है, तो चट्टान और पत्थर में कुछ संबंध है क्या, कुछ चट्टान यहाँ पर है, देखिए चट्टान का गोला यहाँ पर है, पत्थर का गोला यहाँ पर, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ना, तो इसको आप डायरेक्ट हटा दीजिए,
फिर कह रहा है कि कोई कोई भी कंकड़ जो है चट्टाना नहीं है, तो कोई भी कंकड़ जो है दोस्तों हम लोगों का चट्टाना नहीं है, तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। देखिए ये वाला गोला अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे ये तो गलत हो गया कि कोई भी चट्टाना पत्थर नहीं, क्योंकि चट्टान यहाँ पर है और पत्थर यहाँ पर, अरे चट्टान पर्वत में तो कोई रिलेशन नहीं है, कह रहा है कि कुछ चट्टाना पर्वत, तो ये बात गलत हो गया। अब उसने क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी कंकड़ चट्टान है, तो कोई भी कंकड़ चट्टान, देखिए हम लोगों का कंकड़ का अगर हिस्सा को इस प्रकार से हम लोग करके दोस्तों इसमें तो ले जा सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। वो कह रहा है कि कोई भी कंकड़ चट्टान है, तो ये बात हम कन्फर्म नहीं सकते हैं, कुछ कंकड़ जो है ना चट्टान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों का ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते हैं यहाँ पर जानते हैं 50% से भी कम का सही होगा और गलत कर देगा। देखिए कंकड़ का हिस्सा जो है ना इस प्रकार से हो सकता है, हम लोग कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंकड़ वाला हिस्सा उसको भी तो कवर कर सकता है। एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो फिर कभी गलती ना, बस यही लॉजिक रखिए कि सर कंकड़ वाला का गोला तो इस प्रकार से भी जा सकता है, इसका कोई कंकड़ का चट्टान नहीं, बल्कि हम करेंगे ये वाला डायग्राम से तो कुछ कंकड़ चट्टान हो जाएगा, लेकिन एक तो डायग्राम जो पहले रेड कलर का बनाया तो उससे तो नहीं हो रहा है, तो कहीं से भी अगर हो रहा है तो बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कोई कंकड़ चट्टान है, तो ये बात हम कंफर्म नहीं है कि चट्टान है कि नहीं, इसीलिए उसको गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं चुटकियों में। यहां पर सीधा सा आप कर लीजिए ऐसे ही, देखिए कि आप वाई से यदि ई पर जाएंगे तो उसने क्या किया, वाई के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों, ई हो जा रहा है। यहां पर अगर y से हम लोग क्या जा रहे हैं दोस्तों, e पे, तो देखिए कितना लेटर उसने, y के बाद हो जाएगा z, तो z के बाद हम लोगों का e, यानी कि प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया। देखिए समझ में आ चुका है कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, इस पे प्लस कितना लेटर किया है, 6 लेटर। उसी प्रकार से n से यदि जाएंगे दोस्तों हम लोग j पर, तो उसने क्या किया है, माइनस यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 4 लेटर किया है। उसी प्रकार से ई डी से यदि आप जाएंगे दोस्तों एच पे, तो यहाँ पर देखा जाए कि डी से हम लोग एच पे जा रहे हैं, देखिए एन से जे पे आया तो वाई के बाद हो जाएगा जेड, जेड के बाद हम लोगों का यानी कि ई, तो ठीक है 6 लीटर, उसके बाद 4 लीटर, और इसमें डी से यदि एच पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 4 किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही हो रहा है, पहले वाला हम क्या किया दोस्तों, प्लस 6, तो सी में अगर प्लस 6 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई आएगा, तो पहला वाला तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जी से यदि दोस्तों, ये देखिए जी से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस, अगर इस जगह पर 6 कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों, 6 कर देते हैं, अगर यहाँ पर प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 कर दीजिए, इधर से कर लेते हैं, हटाइए नीचे से करते हैं, नीचे से कर लेते हैं कि तब जाके होगा, इससे इस पे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है, प्लस 6 किया है। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि डी पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस 4 किया है, बिल्कुल सही है, इस पर क्या किया है, माइनस 4, वही लॉजिक हो रहा है ना, एच से यदि डी पे जा रहे हैं तो माइनस क्या क्या है, 4 किया है, और फिर एस से देखा जाए दोस्तों डब्ल्यू पे जा रहे हैं तो इस पर क्या किया दोस्तों, उसने प्लस 4 किया, तो बिल्कुल यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वहां पर देखिए इसका संबंध इस प्रकार, तो अगला वाला संबंध क्या होगा, यही वाला काम होगा, यानी प्लस 6 माइनस 4 और प्लस 4, तो देखिए प्लस 6 उसके बाद माइनस 4 और फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं। कहा जा रहा है कि हर्ष जो है हम लोगों का 45 मीटर क्या चल रहा है दोस्तों, पश्चिम में, पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर उत्तर ई साइड में लेना है, थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, और दक्षिण ई साइड में लेना है, उसके बाद पूर्व हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में आपका क्या होता है, पूर्व होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी दिए कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, थोड़ा सा हम समझने के लिए, मैं तो मेरा काम है क्या आपको किसी भी तरीके से प्रश्न को समझना, यानी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, तो हो गया। आप चल दीजिए, कर हर्ष जो है पश्चिम की ओर 45 मीटर चलता है, इस जगह से यहाँ तक हम लोग ले लिए एक अनुमानिक दूरी 45, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, इधर हो जाएगा दायां बायां, और क्या चल रहा है दोस्तों, 25 मीटर चलता है, तो ठीक है यहाँ तक ले लिया हम लोग 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है, इधर दायां, और 21 चलता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, इधर हो जाएगा दायां यानी बायां, तो और क्या चल रहा है दोस्तों, 18, देखिए ना, कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, तो इतना सा दूरी हमने क्या कर लिया, 18 कर लिया।
उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। और हम लोगों के सामने क्या चल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अच्छा हर्ष जो है हम लोगों का गलती हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो यही गलती, हम लोग पश्चिम की ओर चलाना था लेकिन हमने क्या कर दिया पूरब की ओर। देखिए हर्ष पश्चिम की ओर चल रहा है ना, तो पश्चिम ई साइड है ना, तो यही गलती हुआ कि पश्चिम ई साइड है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पश्चिम ई साइड में है तो आपको ई साइड में लेना है, यानी कि आप पश्चिम ई साइड में होगा ना, तो कह रहा है कि 45 मीटर चलता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 45। उसके बाद वो कह रहा है बाईं ओर, तो इधर हो जाएगा दायां, और हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता और 25 चलता है, तो चलिए यहाँ पर चल देते हैं, ये होगा हम लोगों के सामने 25। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, इधर हो जाएगा दोस्तों दायां, बाईं ओर 21 चलता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 21 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 मीटर चलता है, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 18 चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों का फिर से दाईं ओर मुड़ता और 23 चलता है, तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो 23 चलेगा, यानी इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है। पहले कर लेते हैं, अंत में वह क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है, इधर दायां हो जाएगा और इस साइड, और 37 मीटर, तो 37 मीटर चलेगा यानी ऊपर की ओर चलेगा। तो हर्ष किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। लेकिन अभी तक आपको नहीं समझ में आएगा तो अब हम अच्छे से समझा देते हैं और फिर से समझा देते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर तो गिजमिज हो गया था ना, कि यहाँ पर आप फिर कह सकते हैं कि सर आप समझाए नहीं अच्छे तरीके से। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम, और ले लेंगे 45, क्योंकि पश्चिम की ओर चला है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 45 लिख देंगे। उसके बाद वह कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, तो इसको इस साइड में चल दीजिए 25। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो और 21 चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 21। उसके बाद फिर से कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है और 18 चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, इस जगह पर क्या ले लेंगे 18। उसके बाद उसने कहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ता और 23 चलता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि 23 कहाँ तक चलेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का 23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। उसके बाद वो फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, इधर हो जाएगा दायां यानी बाईं ओर मुड़ता और 37 चलता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। तो वो किधर अभी चल रहा है, तो उत्तर की ओर चल रहा है, इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, पहले अपने से एक बार ट्राई कीजिए कि तीन से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, यहाँ पर गुना 7 किया है, और 21 से यदि इस पे जाएंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 7 किया है। उसी प्रकार से 1 से जाएंगे इस पे तो गुना क्या किया दोस्तों, 7 किया है, और इससे जाएंगे इस पे तो गुना क्या किया दोस्तों, 7 किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे तो यहाँ पर गुना 7, उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना 7 किया है, लेकिन इसके बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुना कर दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर देख लीजिए लॉजिक, आप देखने से ही पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, तो इस प्रश्न को आंसर जो है होमवर्क में कमेंट कर देंगे दोस्तों, कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, हर एक स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।